नमस्कार, आज मैं कमर दर्द के लिए, किसी प्रकार का कमर दर्द हो उसके लिए कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। साथ ही जिन लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए भी आसन लाभ करते हैं। तो आइए किस प्रकार करने, पहले आप पेट पर लेट जाएं और एक एक आसन को एक मिनट से लेकर दो तीन मिनट तक करना है और आप पाँच मिनट भी कर सकते हैं समय होते हैं। तो पहले हम करेंगे मकर आसन। इस प्रकार आप अपनी पोजिशन ले सकते हैं, फिर एक पैर को चलाना है धीरे धीरे और यहाँ पे आप धीरे धीरे श्वास को बढ़ते रहें, छोड़ते रहें। पहले एक ही पैरों को चलाएं, फिर दोनों पैरों को इस पोजिशन में और अपनी हील को हिप से लगाने का प्रयास करना। ये फिर सेकंड को हम करेंगे भुजंग आसन। श्वास को बढ़ते हुए फुल बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते पीछे छोड़ के आगे। ऐसे आप धीरे धीरे इस आसन को दो तीन मिनट करें। फिर अगर आप ध्यान शल्वासन, इसी पैर को ऊपर उठाएं, वापस श्वास को भरते ऊपर छोड़ के नीचे और थोड़ा थोड़ा इसमें रोक के रखना है, लगभग 20-30 सेकंड से रोक के रखें, फिर वापस। फिर अगला अभ्यास धनुषासन, दोनों पैरों को पकड़ के ऊपर खींचें, श्वास को भरते छोड़ के वापस, श्वास को भरते ऊपर छोड़ के वापस। फिर आप पीठ के बल लेट जाएं और यहाँ पे दोनों पैर इस पोजीशन में रख के आप मरकट आसन का अभ्यास करें। दोनों पैर आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे, गर्दन राइट साइड, जब पैर इधर रहेंगे तो गर्दन इधर रहेगी दूसरी साइड, और एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना रखना है, थोड़ी देर रोक के रखना है, फिर वापस इसी प्रकार दूसरी साइड करेंगे। हर आसन में आप चाहें तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रोक सकते हैं। तो ये आसन में आपको बड़ा आराम मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे